अत्याचारी करते रहेंगे। वनस्पति को बचाना हमारा धर्म है और यमुना जी को बचाना उससे भी परम धर्म है। बोलो यमुना। मैं रजनी अग्रवाल, प्रेरणा अग्रवा विकास ट्रस्ट महिला समिति की संस्थापिका एवं संयोजिका। आज मैं यमुना मिशन की ओर से अपनी समिति के साथ यहाँ वृक्षारोपण एवं यहाँ के जो माली काम कर रहे हैं उनको कंबल वितरण एवं फल वितरण के लिए आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि चारों तरफ जहाँ पहले जंगल और कूड़े करकट और नाले हुआ करते थे, वहाँ वृक्ष ही वृक्षों की पंक्तियाँ लगी हुई हैं। कहीं फलों के वृक्ष हैं, कहीं पीपल हैं, कहीं नीम है, कहीं बरगद है। आनंद आ रहा है। जामुन के पेड़ भी हमने लगाए। हमने जो वृक्षारोपण किया, हमसे जो करवाया है यमुना मिशन रश्मि जी ने, वहाँ हमने जामुन के भी पेड़ लगाए, बरगद के भी पेड़ लगाए, तुलसा जी भी लगाई। बहुत ही आनंद आ रहा है मन में। हाँ, ये विश्वास है कि आगामी कुछ सालों में हमारी यमुना मैया दोबारा से हमारे पास लौट कर आएंगी। जय यमुना मैया, जय यमुना मैया। बोलिए। मैं रंजना मित्तल, अग्रवा विकास ट्रस्ट महिला समिति की संयोजिका हूँ। यहाँ पर रश्मि जी ने हमें आज यमुना मिशन के वृक्षारोपण के लिए कार्य के लिए बुलाया था और उन्होंने बताया था यहाँ पर यमुना शुद्ध करने का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप लोग देखिए, अवलोकन कीजिए। हमें यहाँ कर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने यहाँ पर हमें वृक्षारोपण करवाया तुलसी के पौधों का और यहाँ की सिचुएशन देख के यमुना जी के ऊपर उन्होंने नालों को एक साइड में रोक दिया है गलत गंदी तरफ से जाने के लिए और यमुना को स्वच्छ एक रास्ता प्रदान किया है। ये सब कार्य देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत जोर शोरों से बहुत सुंदर कार्य चल रहा है यमुना को स्वच्छ बनाने का। अग्रवाल अग्रवा विकास ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पहली बार आई हूँ और मैंने यहाँ पे जो यमुना मिशन का जो स्वच्छता का यमुना का जो कार्यक्रम चल रहा है उसे देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ आगे भी आती रहूँगी और इसी तरह से इस कार्य में अपना सहयोग देती रहूँगी। मैं बीना अग्रवाल अग्रवा विकास ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे आई हूँ। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ वृक्षारोपण कराया गया और बहुत यहाँ की व्यवस्था और जो काम हो रहा है बहुत अच्छे रूप से हो रहा है। जी, यमुना मिशन के कार्य आपको कैसे लग रहे हैं? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर जगह पेड़ वगैरह जो कि दो साल में इसका हमें परिणाम देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू। मेरा नाम सविता अग्रवाल है और मैं यमुना मिशन के लिए रश्मि जी ने मुझे बुलाया है। यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया। नहीं जो इसको बोलना है वो आ जाओ। लक्ष्मी भाभी, आप मैं यहाँ वैसे पहली बार आई हूँ, आके बहुत अच्छा लगा। वृक्षारोपण भी किया हमने, वृक्ष भी लगाए और बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आगे ये कार्य चलता रहे और हम सहयोग करते रहे। मैं कल्पना कर अग्रवा विकास महिला समिति की महामंत्री। मेरे को रश्मि भाभी ने आके यहाँ पे बुलाया था वृक्षारोपण के लिए। यहाँ पे यमुना मिशन का कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। हमने वृक्षारोपण भी किया